नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास आईकॉल K41 है फ्रेंड, जो कि इसमें आप लैंग्वेज को किस तरह चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर इसका ट्रेंड टाइम आप चेंज करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में पूरी की पूरी मैं जानकारी यही बताऊंगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स आप लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स। आप इस फोन का लैंग्वेज को चाहे तो हिंदी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हिंदी भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि उनको इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, तो वो हिंदी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, आप अपने इस फोन का सेटिंग ऑल सेटिंग को आप हिंदी में कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, इसके लिए आप अपने फोन के सेटिंग में आ जाते। तो देखिए मैं अपने फोन के सेटिंग में आता हूँ। फोन के सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स। जैसे ही आप पूरा नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको ट्रेन टाइम आप जो कि आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेन टाइम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें मेरा अभी ट्रेन टाइम है जहाँ यहाँ पे 24 घंटा के लिए है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें मेरा 1 पे हो गया। तो इस तरह बहुत ही आसानी से इसको चेंज आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बैक आता हूँ। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फोन का आपका सेटिंग को लैंग्वेज चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड इनपुट पे आना होगा फ्रेंड्स। इसके ऊपर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको लैंग्वेज है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ही लैंग्वेज ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैं ऐड लैंग्वेज पे आ जाता हूँ। ऐड लैंग्वेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए मैं गलती से मेरा दूसरा आ गया, तो यहाँ पे देखें ऐड लैंग्वेज पे आ जाता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हिंदी खोज लेता हूँ। देखिए मैं हिंदी कहाँ है, मैं इसको चेक करके मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये हिंदी भाषा यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हिंदी भाषा हो गया, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हिंदी भाषा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो इसको आप इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर में कर दूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको ऊपर कर दें, तो देखिए यहाँ पे ऊपर ये हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह आप जैसे ही आप इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट में रहेगा फ्रेंड्स वही भाषा आपको सेलेक्ट रहेगा, जो वही भाषा है जो कि आपको हिंदी में होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बैक आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा सभी भाषा है जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे सेटिंग है जो कि हिंदी में शो कर रहा है, लेकिन मैं इसको रखूंगा फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश में ही, तो मैं इसको इंग्लिश कर ही रखता हूँ। तो इसको मैं ऊपर कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए मेरा अब इंग्लिश में हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैं बैक आता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे है जो कि यहाँ पे अब मेरा इंग्लिश में हो गया। तो इस तरह फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से आप अपने डिवाइस का है जो कि लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। इसमें टाइम भी से ट्रेन टाइम भी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज को भी चेंज आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके फैमिली मेंबर को भी पता हो जाए फ्रेंड्स। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें दोस्तों। दोस्तों आप जब बेल आइकन घंटी को दबाएंगे फ्रेंड्स, तो उसमें एक कॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस तरह का वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।